नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। कृषि परिक्रमा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं। कई खंड आपके लिए ऐसे लेकर आते हैं जिससे आपको कृषि से संबंधित तमाम जानकारियां हासिल हो सकें। अपने आज के कृषि गतिविधि खंड में भी कुछ ऐसी ही जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं। देखते हैं एक खास रिपोर्ट। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। इसी क्रम में शामिल है पशुपालक किसानों के लिए लाया गया ई गोपाला ऐप। ई गोपाला ऐप की शुरुआत प्रधानमंत्री जी द्वारा 10 सितंबर 2020 को की गई थी। ई गोपाला ऐप किसानों और पशुपालकों के लिए काफी काम का साबित हो रहा है। ई गोपाला ऐप एक ऐसा ऑनलाइन डिजिटल माध्यम होगा जिससे पशुपालकों को उन्नत पशुधन को चुनने में आसानी होगी, उनको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। ये ऐप पशुपालकों को उत्पादकता से लेकर उसके स्वास्थ्य और आहार से जुड़ी तमाम जानकारियां देगा। हमारे किसान को ये पता चल पाएगा कि उनके पशु को कब क्या जरूरत है और अगर वो बीमार है तो उसके लिए सस्ता इलाज कहाँ उपलब्ध है। यही नहीं, ये ऐप पशु आधार से भी जोड़ा जा रहा है। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो ई गोपाला ऐप में पशु आधार नंबर डालने से उस पशु से जुड़ी सारी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। इससे पशुपालकों को जानवर खरीदने बेचने में भी उतनी ही आसानी होगी। इस ऐप के जरिए पशुपालकों को तकनीकी जानकारी मिलती है। इतना ही नहीं, इससे डेयरी किसानों को भी काफी फायदा हो रहा है। ई गोपाला ऐप से उन्हें अपने स्मार्टफोन पर कई तरह की जानकारियां मिल जाती है। ई गोपाला ऐप पशुपालकों की मदद करने और पशु उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल माध्यम है। इससे किसानों पशुपालकों को उच्च कोटि के वीर्य, भ्रूण और पशु की उपलब्धता की जानकारी और उन्हें खरीदने की सुविधा मिल रही है। इसके साथ ही स्थानीय आहार संसाधनों से संतुलित राशन तैयार करने की भी जानकारी ई गोपाला ऐप के जरिए मिलती है। ई गोपाला ऐप पर आयुर्वेद, पशु चिकित्सा और कम लागत के औषधि उपचारों की भी जानकारी उपलब्ध रहती है। ऐप पर पशुओं से संबंधित वीडियो भी देखे जा सकते हैं। सरकार के इस कदम से पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल रही है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। आप 7 भाषाओं हिंदी, गुजराती, मराठी, उड़िया, कन्नड़, मलयालम और अंग्रेजी में जानकारी ले सकते हैं। इसमें पशुपालक को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉग इन करना होगा। इसके बाद 6 विकल्प दिखाई देंगे। अलर्ट्स में किसानों को पशु के टीकाकरण की तारीख जैसी सूचनाएं भी मिलती हैं। ई गोपाला ऐप पर करीब 5,63,00,000 किसान रजिस्टर हैं। आई कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में बढ़ते हैं आगे और कृषि साहित्यिक गतिविधि खंड में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पुस्तक जिसका नाम है अंगूर की खेती। आइए इसके बारे में तमाम जानकारियां हासिल करें। और हमारे साथ आज मौजूद हैं उर्वशी तोमर जी जो कि संपादकीय सलाहकार हैं ICAR में और आज जिस पुस्तक पर हम इनके साथ चर्चा करेंगे उसका नाम है अंगूर की खेती। उर्वशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी, आज जिस पुस्तक पर हम बात करने वाले हैं इसका नाम है अंगूर की खेती और सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अंगूर की खेती करना किस तरह से हमारे किसानों के लिए लाभकारी है और ये जो पुस्तक है वो किस तरीके की जो जानकारियां है वो हमारे किसानों तक पहुंचाती है। देखिए, फलों के मामले में देखा जाए तो विश्व भर में अंगूर एक ऐसा फल है जो बहुत सारी कंट्रीज में हाई लेवल पे उगाया जाता है जी, जिसमें कि प्रमुख रूप से चाइना, इटली और अमेरिका जैसे देश आते हैं। हमारे देश में पिछले 3 दशकों में अंगूर की खेती की बढ़ोतरी बहुत हुई है क्योंकि अंगूर की बागवानी जो है उससे बहुत ही अधिक आय मिल रही है हमारे किसान भाइयों को जी। तो इसी चीज को देखते हुए हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम जो भी अनुसंधान हो रहे हैं पूरे देश में अंगूर के ऊपर, अंगूर की खेती के ऊपर, उससे प्राप्त जानकारी को सम्मिलित करके एक पुस्तक के रूप में लाएं
ताकि जो लोग इस फील्ड में हैं, जो किसान भाई हैं जिन्हें इस चीज की नॉलेज की जरूरत है, वो इसके थ्रू लाभान्वित हो सके। बिल्कुल। अच्छा, अब आप ये बताएं कि ये जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है और इसको लिखने का क्या उद्देश्य रहा? इसको कर्ण सिंह चौहान जी और हरिकृष्ण जी ने लिखा है जी। और इसका प्रमुख उद्देश्य, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ये बहुत ही डेवलपिंग फील्ड के रूप में उभर के सामने आया अंगूर की खेती, इसकी बागवानी, प्रमुख रूप से दक्षिणी क्षेत्र जो है हमारे भारत के, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। इनफैक्ट महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अंगूर उगाया जाता है, नासिक जो है उसे ग्रेप कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं जी। तो इसी बढ़ोतरी को देखते हुए और डेवलपमेंट लाने के लिए हमने इस बुक को लिखा है और आगे फिर प्रकाशित किया है जी। इस बुक के अंदर क्या अंगूर की किस्मों के बारे में और किस तरह से अंगूर की खेती की जाए, ये तमाम जानकारियां क्या इस पुस्तक के अंदर दी गई हैं? हाँ जी, इस बहुत ही सरल भाषा में, हिंदी में जी, हमने इस बुक में अंगूर की खेती से संबंधित जितने भी प्रमुख विषय हैं, जो तकनीक है, जो नई नई किस्में आ रही हैं, जैसे कि पूसा सीडलेस हुआ, थॉम्पसन हुआ, गोल्ड हुआ, इन सब इत्यादि के बारे में बताया है। जलवायु कैसा होना चाहिए अंगूर की खेती के लिए, किस तरह का पोषण और किस प्रकार की सिंचाई दी जाए, वो सब है। इसी के साथ साथ कीट और रोग, जो कि बहुत ही प्रमुख कारण होते हैं किसी भी खेती में लॉसेस का, उसके लिए भी उसके कारण और निवारण बताए गए। साथ ही साथ जब कोई भी फल बन जाता है, किस प्रकार से फल और फूल आता है और फल पकने के बाद उसको कैसे तोड़ा जाए और उस टूटे हुए फल का किस तरह से मतलब रख रखाव किया जाए, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जी। क्योंकि जब मंडी में फल जाता है तो वो फल फ्रेश पहुंचे, सड़े गले ना, उस चीज से बचाने के लिए किस तरह से रख रखाव, सार संभाल की जाए, उसकी जानकारी इस बुक में पूरी अच्छे से दी जी। मैं चाहूंगी कि ये पुस्तक जो है ये आप एक बार हमारे दर्शकों को दिखाएं कि ये दिखने में किस तरह की है जी। तो दिखने में भी जो है ये पुस्तक काफी खूबसूरत है, एकदम हरी भरी सी पुस्तक जो है वो नजर आ रही है, अंगूर की काफी बेलें जो है वो इसके अंदर दिख रही हैं। और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो पुस्तक है इसके अंदर तमाम जो जानकारियां दी गई हैं अंगूर की खेती से संबंधित, जैसे कि आपने कहा किस्मों की जानकारी है, रोगों और कीटों के बारे में इसके अंदर बताया गया है, कैसे उनका निवारण किया जाए, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि बाजार तक जो है वो कैसे इसको पहुंचाया जाए, इसकी पैकेजिंग कैसे की जाए, ये तमाम जानकारियां एक पुस्तक के अंदर दी गई हैं। तो इस पुस्तक का मूल्य उर्वशी जी जो है वो कितना है, हमारे किसान इसको कितने में खरीद सकते हैं? इसका मूल्य 100 रुपए है। हाँ जी, इसका मूल्य 100 रुपए रखा गया है जी। और इसे अगर खरीदना है तो हमारे यहाँ पे स्टोर जो है कृषि अनुसंधान भवन 1 DKME भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से आप आके खरीद सकते हैं जी। अदरवाइज हमारे जो बिजनेस मैनेजर हैं, तो व्यवसाय प्रबंधक जो हैं, उनकी ईमेल आईडी पे आप ईमेल करके, जो कि bmicar@icar.org.in पे ईमेल करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं जी। और जैसे कि आपने बताया कि जो आके खरीद सकते हैं वो ठीक है, ऑनलाइन क्या इसको पढ़ने का प्रबंधन है, और ये कितनी भाषाओं में है, हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों ही भाषाओं में है या किसी और भी रीजनल लैंग्वेज में भी है उपलब्ध है? अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो ये अभी हिंदी भाषा में ही उपलब्ध है, ठीक है, और इसका ऑनलाइन कॉपी नहीं है, तो जिनको पढ़ना है उन्हें ये पुस्तक डायरेक्टली मंगवानी ही पड़ेगी या स्टोर से खरीदनी पड़ेगी। हमारी पूरी कोशिश जारी है कि हम इसे ऑनलाइन प्रोवाइड करवा सकें फ्री ऑफ कॉस्ट, बट तब जब तक नहीं मिलता है तब तक ऐसे ही खरीदना पड़ेगा जी। और कोई जानकारी इस पुस्तक से संबंधित जो आप देना चाहें हमारे किसानों को? जो भी किसान भाई हैं जो इस फील्ड में हैं या फिर इस फील्ड में आने का सोच रहे हैं अंगूर उत्पादन के क्षेत्र में, तो वो जरूर आए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फील्ड है, क्योंकि किशमिश हुआ, मुनक्खा हुआ, रस, सोमरस, वाइन बनना, ये सब बहुत ही हाई लेवल का एक बिजनेस है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है आपको जी, और आपकी हेल्प हो सकती है आय के स्रोत के तौर पे। बिल्कुल। तो उर्वशी जी आप हमारे साथ जुड़ी और इतनी अहम जानकारी इस पुस्तक के संबंध में हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में
कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आप जैविक खेती के अंदर किस तरह से आप कृषि शिक्षा हासिल कर सकते हैं इसके बारे में तमाम जानकारियां हासिल करें। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश कुमार जी और इनसे हम जानकारी हासिल करेंगे जैविक खेती में कृषि शिक्षा के ऊपर। डॉक्टर दिनेश आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। सर जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है कि उसके लिए प्राथमिक शिक्षा जो है वो हासिल करना, और ऐसा ही देखा जाता है कृषि के क्षेत्र में भी अगर आपने आगे बढ़ना है तो शिक्षा हासिल करना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो हमारे युवा जो अब बच्चे हैं जो आगे बढ़ रहे हैं कृषि के क्षेत्र में आगे कुछ काम करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कौन सी एक बेसिक एजुकेशन है जो वो हासिल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो बच्चे अभी हाल में 12वीं क्लास में पास हुए हैं या कुछ का रिजल्ट 31 जुलाई तक आने वाला है, इसमें जो विज्ञान विज्ञान के स्टूडेंट हैं या विज्ञान साइड के स्टूडेंट हैं या कृषि के स्टूडेंट हैं विद्यार्थी हैं वो एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन पा सकते हैं। इसके लिए जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। कुछ कृषि विश्वविद्यालय टेस्ट कराते हैं और कुछ आपके नंबरों के आधार पर एडमिशन लेते हैं। और अभी हाल में ICR का AIEEE जो हमारा टेस्ट होता है ग्रेजुएशन वाला उसके फॉर्म निकले हुए हैं, उनको भी हमारे जो विद्यार्थी हैं 12वां पास करने वाले या 12वें में जो इसी बार एग्जाम दिया है वो इसको भर सकते हैं और कुछ सीटें ICR द्वारा यूनिवर्सिटियों में भरी जाती हैं। जी, और इसके लिए कितनी परसेंटेज जो है वो होना जरूरी है, बच्चों की कितनी परसेंटेज आनी चाहिए छात्रों की जो आगे कृषि के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं? मोटे तौर पे आपकी 50% से अधिक है और इसके बारे में विस्तार से आप बुलेटिन आते हैं जो एडमिशन के बुलेटिन आते हैं उसमें इस तरह की विशेष जानकारी आपको मिल सकती है। बिल्कुल, हाल ही में जैसे कि हमने सुना है कि ICR ने अब जैविक खेती में भी कृषि शिक्षा का प्रावधान किया है, बच्चे उसमें MSc भी कर सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि अगर जैविक खेती को अपनाते हैं कृषि शिक्षा के तौर पर तो किस तरह से आगे जो है वो बढ़ सकते हैं उस क्षेत्र में? जी बिल्कुल, पहले तो मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं इसकी कि हाल में ही एक नोटिस आई है जिसके तहत जो हमारा ICR है कृषि मंत्रालय का हिस्सा है या भारत सरकार का हिस्सा है, इन्होंने दो कमेटी बैठाई थी 2017 में जिसमें एक ब्रॉड सब्जेक्ट मैटर एरिया की कमेटी थी और एक हमारी नेशनल कोर ग्रुप कमेटी थी। इन्होंने मोटे तौर पे लगभग 19 हमारे जो ब्रॉड सब्जेक्ट मैटर एरिया हैं कृषि से संबंधित उनको आइडेंटिफाई किया था, 19 ब्रॉड सब्जेक्ट मैटर एरिया है और इसमें लगभग 79 डिसिप्लिन को शामिल किया गया था और उनमें से एक है फिजिकल साइंसेस। और फिजिकल साइंसेस में जैसे एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी है, मौसम विज्ञान है, एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान है, सोयल साइंस मृदा विज्ञान और एग्रीकल्चर फिजिक्स है और इसके साथ साथ और MSc ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप डिग्री दी जाने लगेगी। जो भी यूनिवर्सिटी होंगी या ICR इंस्टीट्यूट होंगे इच्छुक होंगे वो जैविक खेती में MSc की डिग्री शुरू कर सकते हैं और इससे काफी फायदा होगा। बिल्कुल, तो काफ़ी सारे विकल्प जो है वो यहाँ पर जो छात्र हैं उनको मिल सकते हैं जो MSc के स्टूडेंट्स हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये बताएं कि अगर वो जैविक खेती को अपनाते हैं आगे उसके अंदर शिक्षा हासिल करते हैं तो आगे जीवन में उनके लिए काम करने के लिए क्या संभावना है, रोजगार के कितने अवसर उन्हें प्रदान हो सकते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि जैविक खेती का धीरे धीरे हमारे देश में प्रचार प्रसार बढ़ रहा है और निश्चित तौर पे उसी दिशा में ये जो MSc ऑर्गेनिक फार्मिंग है शुरू की गई है। इससे जो हमारे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट आएंगे उनसे उनको रोजगार की काफी संभावनाएं होंगी क्योंकि जैविक खेती लगातार हमारे देश में जो है बढ़ता जा रहा है इसका प्रचार प्रसार। जैसे हम बात करें रोजगार की तो अब हमारे पास अगर MSc डिग्री वाला है कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग का तो वो बड़ी आसानी से हमारे जो इनपुट है जैविक खेती के इनपुट है उनको अपने आप पैदा कर सकता है, जैसे कंपोस्ट है, बायो फर्टिलाइजर वगैरह है। अगर पढ़ा लिखा बच्चा होगा तो वो बेहतर तरीके से बायो फर्टिलाइजर सारे बायो पेस्टिसाइड है जो
लोकल स्तर पर, गांव के स्तर पर हमारे युवक, पढ़े लिखे युवक जो है वो तैयार कर सकते हैं। इसी बिल्कुल तरीके से जी जी इसी तरीके से जो आउटपुट आता है, जो जैविक खेती हम करते हैं, जो उत्पाद आते हैं, तो उनसे भी उनकी मार्केटिंग करनी है, उनको बेचना है, अच्छे दाम लेने हैं, तो उसमें भी जो डिग्री करा हुआ बच्चा होगा वो बेहतर तरीके से अपना काम कर सकता है और अच्छे आमदनी की प्राप्ति भी कर सकता है। बिल्कुल, हमारे देश में तो इसकी जो है वो काफ़ी संभावनाएं हैं, और अब आज के समय में हम विदेशों की भी कई आधुनिक तकनीकें हैं जो अपनी खेती में अपना रहे हैं, कई हमारी सरकारों के साथ जो है वो आगे बातचीत भी हुई है विदेशों की। ये बताएं कि अगर बच्चे कुछ कुछ जो किसानों के बच्चे होते हैं जो अच्छे जिनके घरों की आमदनी होती है, अगर वो विदेश में जाके इसकी पढ़ाई करना चाहें या वहाँ जाके कुछ काम करना चाहें, तो क्या उसके लिए भी उनके लिए संभावनाएं जो है वो खुली रहती हैं? जी बिल्कुल, यूरोप के देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, यहाँ पर आजकल जैविक खेती का काफ़ी चलन है जी। और इस क्षेत्र में वहाँ पे पढ़ाई भी की जा रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पढ़ा लिखा युवक होगा और जैविक खेती की एक तरह से डिग्री है, ट्रेनिंग जी। है उसके पास, जी। तो वो अपने देश से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर सकता है। बिल्कुल, जैसे जैविक खेती के हम एक्सपोर्ट की बात करें जी। तो लगभग वर्ष 2020-21 में जो जी। लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से लगभग 7,078 करोड़ रुपए का जैविक उत्पादों का जो है एक्सपोर्ट किया गया है, और एक्सपोर्ट में जो है सब तरह की कमोडिटी शामिल है, जैसे ऑयल सीड है, तिलहन वगैरह है, हमारे चीनी है, मसाले हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, प्रोसेस प्रोडक्ट हैं, हर तरह का प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे देश में क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है जैविक खेती का, यानी संभावनाएं युवकों के लिए बढ़ रही है। जैसे 2021 में 4.33 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र, 4.33 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र या 43.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जैविक खेती में है, और इसमें से लगभग 26.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है कृषि क्षेत्र है, कल्टीवेबल एरिया है, और बाकी 16.8 लाख हेक्टेयर जो है वो हमारा वन्य क्षेत्र। कुल मिला के बहुत भारी और अपार संभावनाएं हैं जैविक खेती में। बिल्कुल, तो दिनेश जी आप हमारे साथ जुड़े और जैविक खेती में किस तरह से कृषि शिक्षा हासिल कर सकते हैं हमारे युवा छात्र, इसके लिए आपने जो जानकारियां मुहैया कराई हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, अभी कृषि संबंधित तमाम जानकारियां आपने हासिल करी और हम उम्मीद करेंगे ये जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सांस्कृतिक झलक पर। मिलना जरूर मेरी जान हो।
और इसके साथ ही हमारे आज के कृषि परिक्रमा कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को देखने के लिए टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, अपना रखिए ख्याल, नमस्कार। बरसात में दुधारू पशुओं की कैसे करें सुरक्षा? बरसात में जब पशुओं को हो